तो दोस्तों आपका स्वागत है आज जॉर्ज एवरेस्ट व्लॉग पर। वैसे तो ये अभी हम बैठे हैं जॉर्ज हाउस पर, और जो जॉर्ज एवरेस्ट है वो ऊपरली पीक है जो आपको हमारे ऊपर दिख रही होगी। हमें अभी वहां पर जाना है, तो अगर आप इस वीडियो का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो एंड तक देखिए। हम अभी ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है मौसम बहुत अच्छा है और बहुत मजा आ रहा है। ऊपर तक चढ़ने के लिए थोड़ी सी अभी हम मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ तक चढ़ने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हम थोड़े थक गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठ लें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो जैसे कि इस वीडियो में मैं आपके बात करने वाला हूं जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में। तो क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ पिछले सालों से हम घूम नहीं पा रहे थे जैसे, और मैं काफी वीडियो बना चुका हूं देहरादून के ऊपर, लेकिन मैं कभी जॉर्ज एवरेस्ट नहीं गया था। तो इस वीडियो में मैं जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। वैसे तो मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया आपका इंट्रो दिखाकर और थोड़ी सी ये बातचीत करके, लेकिन चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको जॉर्ज एवरेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट मैं क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए मैं देहरादून के पास नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि वो मसूरी के पास है, और वहां तक जाते हुए आप बहुत अच्छे नजारे देखोगे। जॉर्ज एवरेस्ट के जाते जाते मैं एक बात बता दूं कि वहां पर ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। आप अगर एक अच्छे ड्राइवर हैं तो ही जाइए, वरना अगर आप थोड़े से इमैच्योर हैं तो रहने दीजिए, मत जाइए। और वहाँ पहुँच के आप देखोगे कि खुला मैदान सा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर आपको दिखेगा। और मेरा मानना है कि देहरादून से थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, वहाँ थोड़ा ठंड का एहसास लगेगी, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। वहाँ से आपको शुरू करनी पड़ेगी चढ़ाई। और यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा अगर आपको लाइक चढ़ाई से दिक्कत ज़्यादा नहीं है। चढ़ाई करते हुए थकना नाजमी है, और आप पहुंचोगे जॉर्ज हाउस पे जो कि एक म्यूजियम है। जब मैं वहां पहुंचा था तो वो म्यूजियम बंद था क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था, थोड़ा रेनोवेट हो रहा था, मुझे अब तक समझ नहीं आया। लेकिन वहां से आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। वहां से बहुत अच्छा व्यू है, मतलब बढ़िया है, वो म्यूजियम बढ़िया है और वैसे भी सब बढ़िया है, आप खुद देख लीजिए। और ये है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। और यहाँ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से भी बहुत अच्छे व्यूज हैं वैली, मतलब अगर आप यहाँ तक भी आओगे तो आप बहुत ही बढ़िया नजारे देखोगे, बहुत ही अच्छे वैली के व्यू हैं यहाँ पर। तो अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक भी आओगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर से भी आपको बहुत अच्छे व्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अब असली परीक्षा वहाँ से शुरू होती है। वहाँ से ऊपर जाने के लिए अब सीधा रास्ता नहीं है, वहाँ से आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और ऊपर से बहुत अच्छे नज़ारे हैं। वैसे देखिए अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकते तो वहीं पर रुक जाइए। हमारे साथ एक परिवार था, तो उनके साथ एक छोटा बच्चा था, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनकी वाइफ और उनका बच्चा था, तो वो तो नहीं चढ़ सकते थे बच्चे के साथ, तो वो तो वापस चले गए। मैं और मेरी बीवी तो एडवेंचरस हैं, तो हमने डिसाइड किया हम ऊपर चढ़ेंगे ही। लेकिन हमने चढ़ना शुरू किया
विदाउट कैमरा। तो हमारे पास था हमारा फोन और छोटा कैमरा जो हम DJI यूज करते हैं। तो हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन ऊपर से जो व्यूज थे उसने हमारी सारी मेहनत वसूल कर दी। मतलब बहुत मजा आया, आप खुद देखिए वहां से जो दृश्य है। तो देखिए जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ही बढ़िया था और ये मेरा थोड़ा उसको लेकर एक अनुभव था। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखते हैं, थोड़ा वैली के भी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखना चाहते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार लोकेशन है। हाँ, लेकिन अगर आप चढ़ नहीं सकते, ज़्यादा चढ़ाई नहीं करना चाहते, तो वहाँ ना जाइए, उससे बजाय मजूरी घूम लीजिए। और अगर आप माल रोड वगैरह में इंटरेस्टेड है तो वहाँ चले जाइए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको फोटोज़ खिंचवाने में इंटरेस्ट है तो वहाँ ज़रूर जाना। और अगर आप देखना चाहते हो, थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट का फील लेना चाहते हो, तो जो जैसे आपको हल्का फुल्का वो दे देगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए या मेरे और थोड़े किस्से सुनने के लिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन और वीडियोस चेक कर लो, एंड में प्लेलिस्ट आ जाएगी जहाँ पे देहरादून, उदयपुर वगैरह बहुत जगह घूम रखी है मैंने, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।